बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं बच्चों, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स कुछ नहीं है, सिर्फ सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं और इट्स सीमेंटिक रिलेशन। सिनोनिम शब्द होते हैं जो वर्ड के से अलग वर्ड होता है लेकिन उसका मीनिंग सेम ही होता है। और एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम्स आर द नेगेटिव कॉन्टोनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसका अपोजिट सेंस मीनिंग बताने वाले शब्द को एंटोनिम बोलते हैं या अपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो एंटोनिम एक वर्ड है या फ्रेज है जिसका मीनिंग पर्टिकुलर वर्ड के अपोजिट होता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं। जैसे अबेट का सिनोनिम है मॉडरेट या डिक्रीज और एंटोनिम है एग्रवेट एग्रेवेट या सप्लीमेंट। एब्जेक्ट का सिनोनिम है सर्वाइल और एंटोनिम है कमेंडेबल। एडजोर का सिनोनिम है फॉरसेक और एंटोनिम है अप्रूव। ब्रिटल का सिनोनिम है डेलिकेट या फ्रेगाइल और एंटोनिम है टफ या एंड्यूरिंग। बसल का सिनोनिम है हैस्ट या फ्लरी और एंटोनिम है स्लोनेस। कैमिटी का सिनोनिम है एडवर्सिटी या मिसफॉर्चून और एंटोनिम है हैप्पीनेस या फॉर्चून। कैलोस का सिनोनिम है ऑब्ड्यूरेट या अनफीलिंग और एंटोनिम है कंपैशनेट या टेंडर। डिस्पेक्टेबल का सिनोनिम है वर्थलेस या शेमलेस और एंटोनिम है वर्दी या डिसेंट। इसी तरह से बच्चों कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। जैसे डिसडेन, इसका सिनोनिम है डिस्पाइस और एंटोनिम है अप्रूव। इसेंट्रिक का सिनोनिम स्ट्रेंज या एबनॉर्मल और एंटोनिम है नेचुरल या कन्वेंशनल। एक्सटेसी का सिनोनिम डिलाइट या एक्सलेशन, एंटोनिम है डिस्पेयर या कैमिटी। फ्रिवोलस का सिनोनिम है प्रिटी या वर्थलेस और एंटोनिम है सोलमेन या सिग्निफिकेंट। इसी तरह से बच्चों कुछ और वर्ड के यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़ करके समझ करके लर्न कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी में यूज कर सकते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हमें सेंटेंस में उनका सिनोनिम लिखकर दोबारा लिखने हैं। जैसे शी हैज ए वीक फिजिकल स्ट्रक्चर में वीक का सिनोनिम होगा फ्रेल, तो शी हैज ए फ्रेल फिजिकल स्ट्रक्चर। सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड स्नेहा इज वर्केसियस सिंस चाइल्डहुड में वर्केसियस का सिनोनिम है अनसुटेबल। जैसे माई फ्रेंड स्नेहा इज अनसुटेबल सिंस चाइल्डहुड। माई मदर इज वेरी थॉटफुल इन हर एक्शंस में थॉटफुल का सिनोनिम है रिफ्लेक्टिव, तो माई मदर इज वेरी रिफ्लेक्टिव इन हर एक्शंस। हर राइटिंग्स आर सार्केस्टिक, इसको हम लिख सकते हैं हर राइटिंग्स आर रेडिकुलेट। इस तरह से हम इन वर्ड्स को चेंज करके उनके सिनोनिम लिख करके सेंटेंस दोबारा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस के अंडरलाइन वर्ड के एंटोनिम लिखने हैं। जैसे कि माई नेबर इज बेनिवोलेंट, तो बेनिवोलेंट का अपोजिट है अनकाइंड। माई आंट इज वेरी क्रूएल टू एनिमल्स, तो क्रूएल का अपोजिट है मर्सीफुल। माई आंट इज वेरी मर्सीफुल टू एनिमल। सोहन इज ए क्लेवर बॉय, क्लेवर का अपोजिट होता है स्टूपिड, तो सोहन इज ए स्टूपिड बॉय। हर कोविड 19 टेस्ट टर्न टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का एंटोनिम हो गया नेगेटिव। हर कोविड 19 टेस्ट टर्न टू बी नेगेटिव। द वेदर इज ग्लूमी, द वेदर इज सनी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमें सिनोनिम वर्ड्स लिखने हैं। जैसे अबेट का सिनोनिम लेसन, एडमोनिश का स्कोल्ड, एलियन का फॉरेन, चेस्टाइज का स्कोल्ड, डिसिट का डुप्लिसिटी, एक्सटेसी का जॉय, फैलेसी का मिसकंसेप्शन, जोवियल का जॉली, प्लेसिड का काम,
रिडीम का रिक्लेम। इस तरह से हम इनके सिनोनिम वर्ड्स लिख सकते हैं। थैंक यू।